अब तक आप लोग गूगल क्रोम में गलत तरीके से सर्च कर रहे थे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप लोग कुछ इस तरीके से सर्च कर सकते हो, वो भी कुछ भी। एंड ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा यूजफुल है एंड टाइम सेविंग भी। आप लोग देख सकते हो मैं होम पेज से ही यूट्यूब, मिंत्रा, अमेजन या स्पॉटिफाई किसी पे भी कुछ भी सर्च कर सकता हूँ, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकता हूँ। एंड मैं श्योर हूँ कि आपको इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है। सो इस वीडियो को पूरा देखना, ये 2 मिनट का वीडियो तुम्हारे लिए हजारों मिनट बचा सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मुझे यूट्यूब पे कुछ सर्च करना है तो मुझे बस क्रोम के होम पेज पे जाना है एंड मुझे यहाँ से लिखना है YT स्पेस देना है एंड मुझे यहाँ से जो भी सर्च करना है मुझे वो टाइप करना है एंड इंटर करना है। एंड आप लोग देख सकते हो वो सर्च आ चुका है। तो ऐसे ही करके यूट्यूब पे अगर कोई भी वीडियो हो या कोई भी चैनल हो, आप लोग कुछ भी सर्च कर सकते हो। तो बस आपको यहाँ पे जाके टाइप करना है एंड आप लोग देख सकते हो आपके सामने सर्च आ जाएगा। ऐसे ही करके अगर मुझे मिंत्रा पे कुछ सर्च करना है तो मुझे बस लिखना है MYN स्पेस देना है एंड मुझे जो भी सर्च करना है वो मुझे बस टाइप करना है एंड रिजल्ट आ चुका है। और ऐसे ही अगर मुझे अमेजन पे कुछ सर्च करना है तो मुझे लिखना है AM स्पेस देना है एंड मुझे जो भी सर्च करना है वो मैं सर्च कर सकता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो मैं कितना फास्ट तरीके से सर्च कर सकता हूँ किसी भी वेबसाइट पे। और ये ट्रिक आपका हर एक वेबसाइट पे काम करेगा, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, पिंटरेस्ट हो, चाहे वो जो भी वेबसाइट हो जहाँ पे कुछ सर्च होता है, आप लोग वहाँ पे इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यूट्यूब म्यूजिक पे मुझे कोई सॉन्ग सर्च करना है तो मुझे बस लिखना है म्यूजिक एंड यहाँ से मुझे जो भी सॉन्ग सर्च करना है मुझे टाइप करना है एंड इंटर करते के साथ सॉन्ग आपके सामने है। तो ऐसे करके आप लोग हर एक वेबसाइट पे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कैसे आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये सारे शॉर्टकट्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं। मैंने YouTube का YT रखा, Myntra का MYN रखा एंड Amazon का AM रखा। तो ऐसे ही करके आप लोग हर एक वेबसाइट का शॉर्टकट खुद से सेव कर सकते हो, खुद से बना सकते हो। तो इन सारे शॉर्टकट्स को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करना है, देन यहाँ से आपको जाना है सेटिंग में। आप लोग शॉर्टकट भी देख सकते हो, सेटिंग का शॉर्टकट था कमांड कॉमा, तो आपके में शायद कंट्रोल कॉमा हो। तो जैसे ही आप लोग कंट्रोल कॉमा क्लिक करते हो आप लोग देख सकते हो सेटिंग ओपन हो चुका है। और फिर यहाँ से आपको जाना है सर्च इंजन में, देन यहाँ से आपको जाना है मैनेज सर्च इंजन एंड साइट सर्च में। और फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने ये सारे शॉर्टकट्स क्रिएट करके रखे हैं। अमेजन का AM है, फिर जेमिनी का एडिट जेमिनी है, फिर गूगल ड्राइव का फाइल है। तो मुझे अगर गूगल ड्राइव पर कुछ भी सर्च करना है तो मुझे बस लिखना है फाइल एंड मुझे उस फाइल का नाम देना है। और फिर आप लोग देख सकते हो गूगल ड्राइव पे जो भी निशांत नाम का फाइल होगा वो सारे मेरे सामने आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो जो भी फोल्डर है या जो भी फाइल्स है वो सारे एक बार में आ चुके हैं। और ऐसे अगर मैप पे मुझे कुछ सर्च करना है तो मुझे बस लिखना है मैप एंड जो भी मैं टाइप करना चाहता हूँ वो मैं टाइप करूँगा एंड आप लोग देख सकते हो इतना फास्ट रिजल्ट आ चुका है मेरे सामने। मैंने मॉल्स सर्च किया। ऐसे ही आपको जो भी सर्च करना है आप लोग वो सर्च कर सकते हो एंड आपके सामने सारा रिजल्ट आ जाएगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट। तो देख सकते हो इस ट्रिक का यूज़ करके आप लोग क्या क्या कर सकते हो और कितना फास्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे PNG लिखूंगा एंड मेरे सामने ये रिजल्ट आ चुका है। तो ऐसे ही करके मैं कोई भी PNG सर्च कर सकता हूँ बहुत ही फास्ट तरीके से। और ऐसे ही अगर YouTube म्यूजिक है, ट्वीट है, तो मैंने सारे शॉर्टकट्स को खुद से क्रिएट करके रखा है। और अगर मुझे किसी को भी एडिट करना है, मैं यहाँ शॉर्टकट बदलना चाहता हूँ, तो मैं आराम से बदल सकता हूँ इसको। तो अब बात कर लेते हैं कि आपके में ये सारे शॉर्टकट्स पहले से क्रिएट नहीं रहेंगे तो इसे क्रिएट कैसे करना है। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट का कोई शॉर्टकट नहीं है तो मैं फ्लिपकार्ट को ओपन करता हूँ। और अगर मुझे फ्लिपकार्ट पे कोई शॉर्टकट सेव करना है तो मैं यहाँ पे पहले कुछ भी सर्च कर लेता हूँ। मैंने बहुत सर्च किया और फिर यहाँ पे आपको इस लिंक को कॉपी करना है एंड आपको फिर से आना है इसी पेज में। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो साइट सर्च में यहाँ पे आपको ऐड का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको ऐड पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको साइट का नाम दे देना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ फ्लिपकार्ट एंड शॉर्टकट में आपको जो भी रखना है आप लोग रख सकते हो। मैं FL रखता हूँ जो कि बहुत फास्ट में टाइप कर पाऊंगा। और फिर आपको जो भी लिंक आपने कॉपी किया था वो पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे जो URL है यहाँ पे इक्वल टू के आगे आपको सारा क्लियर कर देना है और फिर यहाँ पे आपको टाइप कर देना है %S और फिर आपको बस इसे सेव कर देना है। एंड अब मैं यहाँ पे न्यू टैब में जाता हूँ एंड लिखता हूँ FL और अगर मैं स्पेस देता हूँ और यहाँ पे कुछ भी अब सर्च करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो रिजल्ट मेरे सामने है। तो इतना आसान है, आप लोग किसी भी वेबसाइट का शॉर्टकट सेव कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि पिंटरेस्ट का भी कोई शॉर्टकट अभी नहीं बना के रखा है मैंने, तो ऐसे ही करके मैंने पिंटरेस्ट को ओपन किया एंड मैंने यहाँ से सर्च किया स्टूडियो। अब मेरे पास ये लिंक आ चुका है, मुझे इसे कॉपी करना है, मुझे इस पेज पर जाना है एंड यहाँ से ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको साइट का नेम दे देना है, तो मैंने यहाँ से लिखा पिंटरेस्ट और यहाँ से मुझे शॉर्टकट सेव करना है तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट इसका रखता हूँ पिन। और फिर यहाँ पे आपको उस लिंक को पेस्ट करना है एंड आप लोग देख सकते हो ये लिंक है हमारा एंड यहाँ पे ये कीवर्ड है स्टूडियो। तो यहाँ पे सर्च पिन इक्वल टू के आगे स्टूडियो, मुझे इक्वल टू को इरेज करना है एंड मुझे यहाँ पे टाइप करना है %S और फिर ऐड पे क्लिक करना है। तो हर वेबसाइट को थोड़ा सा अलग हो सकता है, मे बी आपके सामने कोई अलग लिंक हो। जैसे कि अगर यूट्यूब पे मैं कुछ भी सर्च करता हूँ और इसका सर्च क्वेरी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी इक्वल टू है, तो बस आपको इसे इक्वल टू को इरेज करना है और %S से सेव करना है तो आपका शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ से यूट्यूब को ऐड करता हूँ, ऐसे तो यूट्यूब पहले से ऐड है लेकिन मैं यहाँ से फिर से अगर ऐड करता हूँ तो मैं इस बार यहाँ से शॉर्टकट में लिखता हूँ YTT और फिर URL में मैं यहाँ पे URL पेस्ट करता हूँ एंड आप लोग देख सकते हो सर्च क्वेरी और इक्वल टू के आगे बस मुझे इरेज करना है और यहाँ पे लिखना है %S
और फिर ऐड पे क्लिक करना है। तो पहले मेरा यूट्यूब पे सर्च शॉर्टकट था YT, लेकिन अगर अब मैं YTV लिखता हूँ तो भी मैं कुछ भी सर्च कर सकता हूँ आराम से, और ये रिजल्ट आ चुका है मेरे सामने। तो ऐसे करके आप लोग हर एक वेबसाइट का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो खुद से। आप लोग जो भी वेबसाइट का शॉर्टकट क्रिएट करना चाहो आप लोग उस वेबसाइट का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। मैंने पिंटरेस्ट का शॉर्टकट क्रिएट किया था, मुझे लिखना है पिन एंड मुझे यहाँ पे लिखना है कुछ भी, और आप लोग देख सकते हो मैंने पिंटरेस्ट पे भी इतने आसानी से कुछ भी सर्च कर लिया। तो ऐसे करके आप लोग जिस वेबसाइट का सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, चाहे वो कोई भी हो, आप लोग एडिटिंग हो, ग्राफिक में हो, कोडिंग में हो, आपके लिए जो भी वेबसाइट सबसे ज़्यादा यूजफुल हो, जो आप लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो, उसका शॉर्टकट क्रिएट करो एंड आराम से कुछ भी सर्च कर सकते हो। जैसे आपको इस ट्रिक के बारे में नहीं पता था, वैसे ही आपके फ्रेंड्स और फैमिली को भी इसके बारे में नहीं पता होगा। तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो लोग भी अच्छे से बहुत ही फास्ट तरीके से सर्च कर पाए कुछ भी। एंड ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।